जनाब, मेरा नाम सेनेटर डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा। मैं जो हूँ चेयरमैन सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का चेयरमैन हूँ, और आज 10 अक्टूबर 2020 जो कि जिना हॉस्पिटल में JPMC में प्रोफेसर इकबाल अफरीदी साहब, जो कि हमारे बहुत अच्छे साथी भी हैं, दोस्त भी हैं और हमारे अथॉरिटी के मेंबर भी हैं और प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है और डीन भी हैं JPMC के और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन, जो कि ये प्रोग्राम नजमुद्दीन एडिटोरियम में कर रहे हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हिसाब से, उनको और उनकी सारी टीम को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि प्रोफेसर इकबाल अफरीदी सारे पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के सदर हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की अपनी टीम के साथ हमारे सूबे सिंध में और सारे पाकिस्तान में और सारी दुनिया में। वो मुख्तलिफ जगहों पर जाते भी रहे हैं। जो इस साल जो आज का जो थीम है इस साल का, वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट और ग्रेटर एसेस। और इसमें जो हमारे मैनेटर, हमारे टीचर प्रोफेसर हारून भी शरीक हैं इस सेमिनार में, खुदा उनको लंबी उम्र दे, और वो हमारे लिए इंस्पायरेशन फिगर हैं और सूबे सिंध और सारे पाकिस्तान में उन्होंने बहुत मेंटल हेल्थ के हवाले से काम किया है। आज जो शरीक कार हैं हमारे दोस्त इम्तियाज़ फरहान साहब, मिस्टर वकार भट्टी साहब, इम्तियाज़ फरहान और वकार भट्टी हमारे अच्छे दोस्तों में से हैं, और इसमें जो है प्रोफेसर यूनिस खान साहब भी आ रहे हैं जो कि हमारे हीरो हैं पाकिस्तान के, और इसमें जो शरीककार हैं प्रोफेसर MA क्रूसीफर्ट, प्रोफेसर ए खान, प्रोफेसर मुफ्ती साहब जो मेरे टीचर रहे हैं, प्रोफेसर के सईद साहब, प्रोफेसर M शाह साहब, प्रोफेसर Q जैदी साहब और डॉक्टर सीमी जमाली जो कि JPMC की डायरेक्टर हैं, और हरदिल अजीज फिगर हैं पाकिस्तान सारे की और हमारे सूबे की, और इसमें जो है अफजल जावेद साहब जो कि वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन के सदर हैं और पाकिस्तान के लिए एजाज हैं वो, और दीगर यहाँ पार्टिसिपेंट। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये इकबाल अफरीदी साहब यहाँ सेलिब्रेट करवा रहे हैं, तो ये जो हमारी सूबे सिंध की जो गवर्नमेंट है उसने मेंटल हेल्थ के लिए बहुत किया है। मसलन जो हमारा एक्ट जो है सिंध असम्बली ने 2013 में पास किया, और हमारी अथॉरिटी बनी 2017 अगस्त में। इस अरसे में जो है हमारी अथॉरिटी नेचुरली इट रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और हमने बहुत चीज़ें की हैं जो कि पाकिस्तान और एशिया के लिए कारामद साबित होगी। सबसे मैग्ना कार्टा अगर आप कहें सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, वो ये है कि यहाँ की असम्बली ने सर कवरजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेस का बिल पास किया है, और इस इदारा जो 150 साल था इसमें हम जो है अभी 500 बेडेड हॉस्पिटल है, इसको अब हम इजाफा करें 1100 बेडेड का इजाफा होगा, और ये मिल मिलाकर राउंड अबाउट ये हमारे सूबे सारे की 16-1700 बेडेड हॉस्पिटल होगा। वैसे भी बलूचिस्तान सारा यहाँ से यहाँ एडमिट होता है और सारा सूबा सिंध एडमिट होता है इस वक्त। प्रीवियसली ये जब अंग्रेज ने या के दौर में जब सर कवच जी ने ज़मीन दी और बनाया, तो उस वक्त ये जो इदारा है ब्रिटिश बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान के जो सूबे हैं गुजरात और राजस्थान और लोअर पंजाब से लोग आते थे। अब ये जो है डिग्री अवार्डिंग इदारा बनने जा रहा है, और इसको जो है हम जो है पैरामेडिक्स नर्सिस को भी डिग्रियां देंगे, मेडिकल में जो साइकेट्री में भी हम देंगे,
और आगे चलकर विदिन 3 to 4 years ये फर्स्ट मेंटल हेल्थ यूनिवर्सिटी बनने जा रही है पब्लिक सेक्टर में, और एशिया में ये पहली होगी। आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, कोई भी एशिया में मेंटल हेल्थ यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जाता है और सिंध असेंबली को जाता है। तो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो है हमारी बजट में हमने 29 करोड़ रुपीज़ रखे थे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, जो कि लाड़काना में चीज़ें इन्वेस्ट होनी थी मेंटल हेल्थ के हवाले से, पर कोरोना की वजह से वो लैप्स हो गए। और इंशाल्लाह इस बजट में जो आ चुका है इसमें भी ये वो रकम रखी गई है, और वो लाड़काना या लाड़काना डिवीज़न के जो 6 ज़िले हैं जिसमें लाड़काना है, कंबर शहदादकोट है, शिकारपुर है, और उसमें कश्मूर है, कनकोट है, चकवाद है, ये सब ज़िलों में आप चेंजेस देखेंगे। हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने जो भी किया उसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध की सपोर्ट है। तो हमने जो है कोशिश की कि कराची में जो है कतर हॉस्पिटल में सेक्रेटरी वार्ड खुला, और हमने ये कोशिश की कि मिट्टी में वार्ड खुले, फर्स्ट चाइल्ड सेक्रेटरी वार्ड चाइल्ड हॉस्पिटल नाजमाबाद में खोला गया। और हमारी कोशिश ये है कि जो डिविजन्स जो भी हैं हमारे वहाँ ये वार्ड्स खुलें। हमारी कोशिश ये है कि जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट सिंध के हर ज़िलों में पोस्ट हो जाएं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें पेशरफ हो रही है। और सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को भी गवर्नमेंट ने ऑफिस और दीगर चीज़ें उम्मीद है कि इस बजट में हमें मिल जाएंगी, और ये एक स्टेबल इसका स्ट्रक्चर भी स्टेबल हो जाएगा सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, अगर दूसरे सूबे हैं पाकिस्तान के उससे बढ़ के हमने इस चीज़ों पर तवज्जो भी दी है, और हम समझते हैं कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड जो बनने जा रही है जिसमें एक नवा इंसान, नवा सिस्टम्स बनने जा रहे हैं सारी दुनिया में, और यकीनन क्राइसिस भी आने वाले हैं मेंटल हेल्थ इशू के हवाले से। तो उस सिलसिले में भी हमने अपनी प्रिपरेशन सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने कर ली है, और नवंबर के बाद चीज़ें अगर स्टेबल होती हैं, क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल जो भी हैं वो कोरोना की वजह से क्राइसिस में हैं, डॉक्टर भी इसी पर पूरे तवज्जो दे रहे हैं, उसके बाद हम सिंध के हर ज़िले में हम जाएंगे और क्लिनिकल जो के डॉक्टर्स हैं सरकार के और फैमिली फिजिशियंस हैं उनको हम ये मेंटल हेल्थ के हवाले से जो शिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बाइपोलर है, ड्रग एडिक्शन है और चाइल्ड साइकेट्री है, उसमें हम जो ट्रेन करेंगे। इस सिलसिले में हम बहुत सी रिसर्च भी कर रहे हैं सूबे के अंदर, डेट इज चाइल्ड साइकेट्री के हवाले से, सुसाइड के हवाले से, और हमारे MOUs भी मुख्तलिफ जगहों पर साइन हुए हैं रेडियो स्टेशंस के हवाले से, जो कि हम हर जो भी पाकिस्तान का या सिंध का जो साइकेट्रिस्ट है वो LMC रेडियो में जाकर हफ्ते में 3 दिन मेंटल हेल्थ के हवाले से बात कर सकता है, वो साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो या सोशल वर्क डिपार्टमेंट से हो, मेंटल हेल्थ के हवाले से बात कर सकता है। हमारी ब्रेन ट्रस्ट से भी जो है UK की है उससे भी MOU साइन हुआ है। ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है उससे भी हमारा MOU साइन होने वाला है कुछ दिनों में। और हमने जो सर कवरजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है वहाँ कुछ ज़मीन हमने जो कि खाली थी वहाँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध वहाँ फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट बना रहा है जो आगे चलकर पेशेंट्स को फ़ायदा होगा। वहाँ हमने न सिर्फ जो दरख्त लगा रहे हैं पर फ्रूट्स के दरख्त भी लगा रहे हैं, जो कि वहाँ के पेशेंट्स हैं आमों का, लीमू का और गावा का, अमरूद का, तो वहाँ के पेशेंट्स को फ़ायदा होगा, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे और एक तरह से रिहेबिलिटेशन भी होगी उनकी। तो वी आर ऑन इट, और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है, जो कि दूसरे दीगर सूबों के मुकाबले में
हमारी पूरी कंसंट्रेशन है कि इन्वेस्टमेंट हो, और जो पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं सुसाइड्स के हवाले से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है बहुत कंसंट्रेट कर रही है कि हमारे सूबे में ख़ास तौर पर सुसाइड रेट्स बढ़ गए हैं, और खुसूसन हमारी डिप्राइव कम्युनिटी जो कि हमारी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है उनको हम कुछ फ़ायदा दे सकें और ये चीज़ें कम हो सकें। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, और पाकिस्तान में ये हमें एजाज़ है सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि वो इस पर इन्वेस्टमेंट दीगर सूबों के मुकाबले में हमने ज़्यादा किए हैं, और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक जाते जाते ये है कि हमारी जो जो फीमेल्स हैं उसके लिए सरकवजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में स्टेट ऑफ द आर्ट 60 बेडेड वार्ड जो है इफ्तिताह होने जा रहा है। अब ये हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पेशेंट हमने शिफ्ट होने वाले हैं 10 दिनों में वहाँ, और हमें उम्मीद है कि वज़ीर आला सिंध उसको इफ्तिताह करेंगे उस स्टेट ऑफ द आर्ट फीमेल वार्ड का। तो चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, और हमें उम्मीद है कि सखर में और नवाबशाह में बेनज़ीराबाद नवाबशाह का नाम है वहाँ, और मीरपुर खास में आप देखेंगे कि साइकेट्री वार्ड खुलने वाले हैं 1-1.5 महीने में, और हमें सेकंड स्टेप ये है कि हमारे हर ज़िले में विद इन 6 महीने से 1 साल या 1.5 साल में वार्ड्स खुल जाएंगे सूबे सिंध के हर ज़िले में। तो ये सब कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध मेंटल हेल्थ सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के रिक्वेस्ट पर, और ये चीज़ें हो रही हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत है सूबे सिंध की सारे पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के हवाले से, और इस दिन हम इस वक्त भी मैं इसमें फिज़िकल मेरी प्रेजेंस नहीं है क्योंकि इस वक्त जो है इसी टाइम में मैं सांगड़ में हूँ। सांगड़ में कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है, और सांगड़ को दो खसूसियात है कि पार्टीशन से पहले यहाँ से अंग्रेज़ के खिलाफ सबसे बड़ी रेजिस्टेंस यहीं से हुई थी खैरपुर और सांगड़ से, और बरे सगीर में सबसे पहले जो माशिला है वो यहीं लगी थी, और यहाँ सूर्या बादशाह जो कि हमारा बरे सगीर का पाकिस्तान का हीरो था, इसने अंग्रेज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस दी थी, और यहाँ जो है अंग्रेज़ के खिलाफ बहुत बड़ी स्ट्रगल चली थी। तो आज मैंने चुना कि यहाँ मैं सेमिनार कराऊं, और यहाँ दो चीज़ें अहम हैं। एक तो यहाँ जो है वाइट थर है, जो हमारा थर डेजर्ट है वो न सिर्फ थरपारकर में है, उमरकोट सांगड़ और सांगड़ में इस डेजर्ट का नाम वाइट थर अच्छो थर जिसको सिंधी में हम बोलते हैं, और आगे चलकर जो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट आता है उस वही डेजर्ट है वहाँ इसका नारा डेजर्ट इसका नाम हो जाता है। यही आगे चलकर जो है सखर में और गोटकी तक जाता है, आगे चलकर पंजाब में एंटर होता है तो इसी डेजर्ट का नाम जो है वो थल डेजर्ट हो जाता है। तो और उस तरफ राजस्थान है हिंदुस्तान के बॉर्डर के पाकिस्तान के बॉर्डर के उस तरफ। तो ये जो डेजर्ट में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, और हमारी सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की कोशिश है कि कमिंग दिनों में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ यहाँ जो कुछ यहाँ हो रही हैं या इश्यूज़ हैं डिप्रेशन के या दूसरे मेंटल इश्यूज़ हैं उस पर हम तवज्जो दें सारे सिंध में मुख्तलिफ ज़िलों में भी और यहाँ। तो विश यू बेस्ट इकबाल अफरीदी साहब अलॉन्ग विद द टीम, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसमें आपको मुबारक हो, और मैं इस वक्त सांगड़ में हूँ, अगर यहाँ होता तो मैं आपके पास ज़रूर मौजूद होता। कल हारून साहब का जो है जो कर रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान मेंटल हेल्थ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ की तरफ से मैं वहाँ मौजूद हूँगा इंशाल्लाह। तो सब दोस्तों को सलाम और बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।